दोस्तों तो आज हम बात करेंगे शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक के बारे में। शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आज हमको शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक में 10.35% की तेज़ी के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब इस ब्रेकआउट के बाद आपको इसमें शेयर को बाय करना चाहिए, शेयर या होल्ड या इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें स्टॉक की, तो शिल्पा मेडिकेयर का स्टॉक लंबे समय से 258.65 का जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमको इसमें 10.35% की तेज़ी के साथ इस शेयर ने इसको ब्रेक किया है। इसके साथ ही हमको इसमें एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी। अब हम स्टॉक में बात करें नेक्स्ट रजिस्टेंस की, तो अब स्टॉक का नेक्स्ट रजिस्टेंस है 298.30। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो हमको स्टॉक में फिर 322, इसके बाद 359 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो जो इसका अब तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यानी कि 258.55, वही स्टॉक में अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया तो 244.30, इसके बाद 230.55 इसमें नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो को बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।